मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार गिरने को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने एक किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि कमलनाथ सरकार को गिराने में प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विजयवर्गीय के इस दावे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वह चुनी हुई सरकारों को असंवैधानिक तरीके से गिराते हैं। और जब तक कमलनाथ जी की सरकार थी, एक दिन चैन से नहीं सोने दिया। यदि ऐसा कोई कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का, जिसको कमलनाथ जी को सपने में भी जो दिखाई देता था, वो नरोत्तम मिश्रा जी थे। तालियां बजाकर नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करें। ये पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूं, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच में बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।